योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोडजर टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्रेशर के टर्मिनल के बारे में। हमारे रोटरी कंप्रेशर के टर्मिनल अगर बार बार बर्नट हो रहे हैं, बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो उस अवस्था में हम उसके लिए क्या करें कि उसका एक पक्का इंजाम हो जाए और हमारे टर्मिनल बार बार ख़राब ना हो। आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, मैं आपको टर्मिनल को नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो एक टर्मिनल है ये बिल्कुल वेल्ड हो चुका है और जो इसकी थिम्बल वाली पत्ती थी जिसमें हमारी थिम्बल लॉक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, हम कितने भी अच्छी थिम्बल लगा लें, कितना भी अच्छा मजबूत थिम्बल इसके ऊपर लगा लें, तो भी हमारा थिम्बल वो इस पर अटैच नहीं हो पाता और स्पार्किंग होकर वो ख़राब हो जाता है। इस अवस्था में हमें क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों आप सामने वीडियो में ध्यान से देखिएगा, मैं प्लास से उस थिम्बल की जो किनारियां हैं जिस पर हमारा थिम्बल लॉक होता है, यानी जो हम थिम्बल्स इन इन टर्मिनल में लगाते हैं और वो जो पत्तियां साइड की होती हैं, हम प्लायर से उन पत्तियों को बिल्कुल साफ़ करेंगे। हम जो हमारा फाइल है, जो हमारी रेती है, उससे हम उसको घिसाएंगे ताकि जो हमारा सिर्फ सिंगल पोल है थिम्बल का वो नज़र आए, ताकि इसमें हम दूसरा थिम्बल अटैच कर सकें। इसलिए हमें इसको बिल्कुल बारीक से सावधानी से इसको रेती की सहायता से उसको घिसाना पड़ेगा, जो हमारी पत्तियां एक्स्ट्रा साइड में होती हैं जिस पर हमारा थिम्बल अटैच होता है, क्योंकि वो जो हमारी थिम्बल अटैच होती हैं वो हमारी ख़राब हो चुकी होती हैं और बार बार हम उस पर अगर थिम्बल लगाएंगे तो वहां से वो वेल्ड होकर वो फिर आग पकड़ जाती है और यहाँ पर स्पार्किंग होने से हमारे कनेक्शन लूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था में हम इसके अंदर एक दूसरे थिम्बल आते हैं जो कि हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, हीटर्स वगैरह में वो हाई कैपेसिटी के थिम्बल होते हैं, लेकिन इनसे अलग टाइप होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं वो ऐसे थिम्बल नहीं होते। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको स्पार्किंग होकर थिम्बल कैसे ब्रंट हो गया है, वो अलग थिम्बल होते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से फाइल से घिसाकर इसको बिल्कुल गोल कर लेंगे और वो थिम्बल आपके फिर इनके ऊपर फिट हो जाएंगे, जिससे आपके बार बार यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी और आपका कंप्रेशर सही चलेगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा कंप्रेशर लोड लेता है और उस लोड में अगर हमारा थिम्बल थोड़ा भी लूज है या थोड़ा भी उस थिम्बल के टर्मिनल पर दाग का निशान है, जिसे हम वेल्ड भी बोल देते हैं क्योंकि स्पार्किंग होने से वहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है, और हम बार बार घिसते भी हैं तो भी वहाँ पर थिम्बल नहीं चल पाता और उस अवस्था में हमें ये जुगाड़ करना ही पड़ता है। लेकिन ये जुगाड़ बहुत कारगर सिद्ध है, आपको इस जुगाड़े करने के बाद बार बार ये समस्या नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो में साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों इस प्रॉब्लम के कई कारण हैं। एक तो हम क्या करते हैं, कई बार अगर हम कैप खोलते हैं तो हम उस कैप को पूरी तरह टाइट नहीं कर पाते और वहाँ से मॉइस्चर उसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है और हमारी थिम्बलों में स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। दूसरा दोस्तों, कई बार अगर हम थिम्बल इसके ऊपर अलग से लगाते हैं तो वो हमारी थिम्बल हल्की नहीं होनी चाहिए, वो मजबूत थिम्बल होनी चाहिए और ना ही वो हमारी थिम्बल लूज होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी इस टर्मिनल पर थिम्बलों ने स्पार्किंग करना शुरू कर दिया तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे और उसका अंजाम यही होगा जो आप सामने देख रहे हैं। आपको ध्यान से प्लायर से इसको बिल्कुल हल्के तौर से करना है। आपको जो इसमें गोल वाला हिस्सा है जो थिम्बल का, उसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ हमें जो किनारियाँ हैं जो थिम्बल लॉक होता है वहाँ पर उन किनारियों को घिसाना है, ताकि जो हमारा थिम्बल मैं आपको सामने दिखाऊँगा वो इसमें आराम से फिट हो जाए। क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सिस्टम होता है, अगर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे प्लायर से तो ये हमारा थिम्बल उखड़ भी सकता है और इससे हमारा कंप्रेशर डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपको इस कार्य को करते हुए बिल्कुल ध्यान से और इत्मीनान से आपको ये कार्य करना पड़ेगा, ताकि कंप्रेशर के थिम्बलों को टेढ़ी या मेढ़ी ना हो, जिससे जिसमें हमारी थिम्बल लगी हुई हैं वो जो मटेरियल है वो ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा जो थिम्बल है उसके ऊपर आप कैसे लगाएं और जिससे आप इस समस्या से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसको आपको पहले अच्छी तरह से इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। देखिए आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, मैंने इसको घिसाकर देखिए बिल्कुल गोल कर लिया है, जो मेरा गोल वाला हिस्सा है हमें ये गोल करना है ताकि हमारी जो हम थिम्बल लगाएंगे वो आ जाए। देखिए दोस्तों ये वो थिम्बल है, हैवी मेटल के थिम्बल हैं, इनकी मोटाई काफ़ी है, हमें इतनी ही मोटाई के वाले थिम्बल इस पर यूज करने हैं। इसमें पतले वाले थिम्बल भी आते हैं, लेकिन आपको इतनी मोटाई वाले ही थिम्बल लेने हैं क्योंकि ये हाई कैपेसिटी के थिम्बल हैं। आप लूज थिम्बल लोगे तो वो स्पार्क कर जाएंगे। देखिए मैंने इनको दो टर्मिनल पर लगा दिया है, नीचे वाले नट से
टर्मिनल को कस दी है और ऊपर वाले में मैंने वायर लगा दी है और मेरा एक थिम्बल सही है उस पर मैंने वो ऊपर आने वाला ही थिम्बल यूज़ किया है। देखिए मैंने उसको फिट कर दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं जो ये वर्क है। अगर हमारी ऐसी परिस्थिति आती है हमारे कंप्रेसर के साथ तो आपका ये जुगाड़ ही दोस्तों चलेगा और इसी को आप करेंगे तो आपका कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप बार बार थिम्बल बदलते रहें कभी भी आपकी थिम्बल इस पर स्टेबल नहीं होगी। देखिए आप एक नीचे वाला नट रखें पहले कंप्रेसर सिंबल पर और उसके ऊपर वाले नट में आप वायर को टाइट कर दीजिए और आप इसको हिलाकर देख लीजिए हाथ से कहीं आपका ये लूज ना हो, क्योंकि अगर आपने ये लूज कर दिया तो भी आपकी स्पर्किंग हो जाएगी। देखिए ये वो किनारियां हैं जिसको हमें फाइल से घिसाना है। अगर आपकी ये किनारियां ख़राब हो गई हैं तो आप फाइल से घिसाएं, अगर आपकी ये किनारियां ख़राब नहीं हुई तो आप इसको रेग मार से या एमरी पेपर से इस पर जंग उतार कर आप वही पुराने वाला थिम्बल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये जो किनारियां हैं जिसमें हमारा थिम्बल लॉक होता है अगर ख़राब हो चुकी हैं तो आपको ये फाइल से घिसाकर आपको सिर्फ सिंगल वाला जो हमारा पोल नज़र आ रहा है इसको ही यूज़ में लेना पड़ेगा और इन थिम्बलों को लगाना पड़ेगा, तभी आपका कंप्रेशर रन हो पाएगा। दोस्तों आपने देख लिया ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो हर चीज़ बताऊँ जो आपके काम आए। धन्यवाद दोस्तों।